वैकेंसी आई है नई आरपीएससी की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा। अभी विज्ञापन आया है 2 तारीख को ही, जिसमें बहुत सालों बाद 2014 के बाद पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर्स या कॉलेज लेक्चर जिनको बोलते हैं, उनकी वैकेंसी निकाली गई है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये, एक स्टेट के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा अवसर है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये है उस आरपीएससी के विज्ञापन का नंबर और ये 2 तारीख को लॉन्च हुआ है। आप आरपीएससी की साइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। और इसमें बोला गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो हम कुछ का देख लेते हैं, जैसे बॉटनी में 33 हैं, केमिस्ट्री में 40, मैथ में 34, फिजिक्स में 35, जूलॉजी में 30, एबीएसटी में 82, ब्रिज एडमिनिस्ट्रेशन में 127। तो इस तरीके से वैकेंसीज़ का डिवीज़न है जो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। मेनली फोकस हम करेंगे इसके ओवरऑल जो इसके वैकेंसी का जो लिस्ट है उसमें ओवरऑल देखेंगे 918 वैकेंसीज़ हैं, 296 अनरिजर्व की हैं, बाकी उस तरीके से कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें सबसे एक यूनिक चीज़ ये लगी, 34 सीट जो है एक्सर्विसमैन को दी गई है। ये पहले वसुंधरा राजे जी ने एक बार अनाउंस किया गया था, 34 सीट्स जो हैं एक्सर्विसमैन को दी गई हैं इसमें। तो इसमें एक एक दो दो तीन तीन चार चार करके काफ़ी सारी सीट्स हैं जो एक्सर्विसमैन को हाथ लगी हैं इस बार। अगर हम देखें तो 6 सीट सर्वाधिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सबसे बड़ी वैकेंसीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ही है। यहाँ पर 127 वैकेंसीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, जिसमें से 6 एक्सर्विसमैन को मिल रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है दे कैन अप्लाई फॉर दैट। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए शैक्षिक योग्यताएं जो हमने निर्धारित की हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्वल ग्रेडिंग पॉइंट्स के, वेदर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करते हुए, नहीं तो 55% मार्क होने चाहिए मास्टर्स डिग्री लेवल पे इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। जैसे आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करो उसमें 55% होने चाहिए, या फिर इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम फॉरन यूनिवर्सिटी में हो तो वो अलग बात है। नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए यूजीसी सीएसआईआरआर के द्वारा जो लिया जाता है, और या फिर यूजीसी ने कोई और टेस्ट को अप्रूवल दिया है, किसी स्टेट का स्लेट या सेट को बोला है कि ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तब कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डिंग्स टू यूजीसी कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009, 2009 के रेगुलेशन के अनुसार जिन्होंने पीएचडी की है, उनको मिनिमम नेट स्लेट की एग्जम्पशन से छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज नेट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इन राजस्थान। नेट स्लेट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स इन डिसिप्लिन, जिसमें नेट स्लेट है ही नहीं, जिस डिसिप्लिन का कोई ऐसा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री से ही काम चल जाएगा। तो ये तो थे कुछ मेन इसके एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, और छोटे मोटे में वर्किंग गुड नॉलेज ऑफ हिंदी, देवनागरी नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये वांछित हैं, कोई ऐसा नहीं है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में अब बोला गया है कि मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन, 3 एग्जामिनेशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। प्रोसीडिंग टू मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री में आने से पहले या उससे पहले के 3 एग्जामों में आपके मार्क्स 55% होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए एंड एनी वन ऑफ द सेकेंडरी हायर स्कूल, मतलब एक बार आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और एवरेज 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें ग्रेस मार्क्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, ना उसको राउंड ऑफ किया जाएगा, 55 54.5 है तो उसको 55 नहीं माना जाएगा, या 49.5 है उसको 50 नहीं माना जाएगा। 5% की छूट दे है किनको, अनुसूचित जाति एससी एसटी ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, निशक्त जन, या अपने फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये छूट दी गई है। और ये 55% जो औसत एवरेज है उसमें छूट दे है, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्नातक की परीक्षाओं के अंकों में पृथक पृथक रूप से 5% की छूट दे नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग से आपको छूट मिलेगी। जैसे कि बोला गया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स
आपके 55% का एवरेज है तीन एग्जामिनेशन प्रिसीडिंग टू मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री होने से पहले जो पिछले तीन एग्जामिनेशंस थे, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, उसमें विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, 50% तो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, एंड एनी वन ऑफ द हायर सेकेंडरी ऑब्लिक हाई स्कूल, ठीक है, या तो आपके ग्रेजुएशन या फिर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में से किसी एक में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो 50% आपके ग्रेजुएशन से पहले, मास्टर डिग्री से पहले वाले में तीन में होने चाहिए, 55% आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए। 5% की छूट दी गई है एससी एसटी पिछड़ा जन और अति पिछड़ा वर्ग निषक्त जन को दी गई है, और बाकी इसमें देखा जाए छोटी छोटी चीज़ें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य स्तरीय स्लेट, हाँ ये बीच में राजस्थान में सेट का एग्ज़ाम भी हुआ था, वो भी मान्य है इसमें। जून 2002 से पूर्व किसी प्रदेश के स्लेट नेट से उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा, 2002 से पहले का जिसने सेट भी निकाला होगा किसी और स्टेट किसी भी प्रदेश का, वो भी मान्य होगा। 2002 जून के बाद में ये मान्य नहीं माना जाएगा, 2002 जून के बाद में ये मान्य नहीं होगा। तो बाकी अगर हम देखें तो मेन चीज़ की पे बैंड आप देख सकते हो 15,600 से अभी भी पुराने पे बैंड का ही इसका दिखाया जा रहा है, 7th पे बैंड कमीशन का नहीं है। ग्रेड पे 6,000 रुपया है और 21 से 40 वर्क्स 40 इयर्स मैक्सिमम, 40 साल मैक्सिमम। छूट किन किन को दे है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट्स जो एससी एसटी ओबीसी या मोर बैकवर्ड क्लासेस के हैं 5 साल, वुमन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 5 साल, वुमन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लाइंट मोर बैकवर्ड क्लाइंट वुमन को और 10 साल, विडो डिवोर्सी वुमन का कोई अपर लिमिट नहीं है। द अपर एज लिमिट मेंशन अबाउट 50 ईयर्स इन केस ऑफ रिजर्विस्ट, जो रिजर्विस्ट हैं जो रिजर्व में कर्मचारियों की सेवा के लिए डाल दिया गया है उनको 50 साल मैक्सिमम दे सकते हैं। नेमली डिफेंस सर्विस पर्सनल ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब डिफेंस सर्विस पर्सनल को अपनी मेन सर्विस कंप्लीट करने के बाद कुछ साल रिजर्व में रखा जाता है, तो उनके लिए 50 साल की मेनली नियम को लागू किया गया, मैक्सिमम एज उनकी 50 हो सकती है। बाकी ये भी छोटे मोटे और डिफ्रेंशिएटेड रूल्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, बाकी मेन रूल हमने कवर कर दिए हैं। और एक्सरिसमन जो लॉ है 1988 का, उसमें भी 50 इयर्स मैक्सिमम उसकी अपर एज लिमिट दी गई है, ठीक है। तो यही आपका इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है। और हम देखें अन्य विवरणों में देखें तो चयन प्रक्रिया जो है वो एक्चुअली इसके तीन स्टेज होंगे, हम आगे देखेंगे। साक्षात्कार प्रतियोगी परीक्षा लिखित प्रत्यक्ष परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे, प्रशिक्षण स्थान व स्थिति बाद में सूचित की जाएगी, वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी एमसीक्यूज होंगे, वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा, सिलेबस भी आ जाएगा, और आवेदन 9/11/2020 से लेके 8/12/2020 रात्रि 12 बजे तक फुलफिल किए जाएंगे। आरपीएससी की साइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं और ये सब चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए राजस्थान का सिंगल साइन ऑन ऐप जो है वहाँ यूज़ करना होगा, वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तब आपका जाके ये सब कर पाएंगे। सिटीज़न टू सिटीज़न ऐप्स में आपको मिलेगा ये, तो SSO लॉगिन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आधार बेस्ड है, इजीली अच्छा बनाया हुआ है, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, उसकी फ़ीस भरकर आप एग्ज़ाम को फॉरवर्डली अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे एक हेल्पडेस्क नंबर भी दिया गया, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर या ईमेल कर अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो मेनली इसका यही है कि आपको अगर कोई गलती हो जाए, संशोधन करना चाहते हो ऑनलाइन भरे हुए, तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर 10 डेज विद इन द अप्लाइड, आपका जो लास्ट लिमिट है डेट की, जैसे अंतिम इस दिन ख़त्म हो रहे हैं भरना जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल के एग्ज़ाम, उसके 10 दिन बाद तक आप 300 रुपये देकर संशोधन कर सकते हो,
ठीक है, इसमें आवेदक के नाम से संशोधन नहीं स्वीकार किया जाएगा, ये एक इन्होंने क्लॉज लगा दिया इसमें, तो इसको थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब आपके साथ कुछ हो तभी आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर सिंपल आप भरते रहते हो आपको कोई दिक्कत नहीं। 350 रुपये जनरल की फ़ीस है, नॉन क्रिमिनल लेयर अर्थी पिछड़ा वर्ग की 250 है, निःसक्त जन अनुसूचित जाति जनजाति आदि 2.5 लाख से कम जिनकी इनकम है 150 रुपये है इनका। तो ये जनरलाइज वे में मैं कवर कर रहा हूँ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इसके। अब ये बात करते हैं स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होगा देखिए, पेपर 3 है, फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके अनुसार इसका एग्ज़ाम होगा, 75 मार्क्स का है, 3 घंटे का। दूसरे में भी सेकेंड एग्ज़ाम होगा, वो भी सब्जेक्ट आपका जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, 3 घंटे का पेपर होगा। जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 200 मार्क्स, 24 नंबर इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। टू एक्सटेंड 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कट वाइज कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन में भी फिक्स बात है, कमीशन चल भी समन फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको वैकेंसीज़ के 3 गुना लोगों को सिलेक्ट करके बुलाया जाएगा और सिलेबस आपको बाद में बता दिया जाएगा, यानी जितनी वैकेंसी उसके 3 गुना लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थे इसके मेन मेन बिंदु, मैंने कवर कर दिए हैं। आप फॉर्म को थोड़ा आराम से भरिए, SSO लॉगिन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, उस तक जाइए और उसको ख़त्म करिए। ये पूरा इसका सार मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। RPSC की साइट से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना जानकारी लीजिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से तैयारी करें। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।